डियर स्टूडेंट्स नो वी आर गोइंग टू डिस्कस मैनेजमेंट ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ इंटरनेशनल फॉर स्टैंड आई एस ओ फोर्टीन थाउजेंड प्योरली डील इन एनवास हाउ आर्गेनाइजेशन बिहेव दर्गेनाइजेशन हाउ आर्गनाइजेशन डील्स विद द स्टेक होल्डर इन सब चीज़ों को हम लोग आई एस ओ फोर्टीन थाउजेंड बोलते हैं अगर इनको देखा जाए तो द कंप्लीट मेंबरशिप रोस्टर फॉर आई एस ओ कंटेंट द स्टैंड बॉडीज ऑफ वन एटीन कंट्रीज एक सौ अठारह ममालक में आई एस ओ के फोटी थाउजेंड स्टैंडर्ड्स ऑपरेट किए जा रहे हैं इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि प्रोडक्ट को इस लेवल पर डिवेल्प किया जा सके कि एक सौ अठारह ममालक में जो प्रोडक्शन हो रही है उन सब का स्टैंडर्ड सेम हो और वो आर्गेनाइजेशन जो एक कंट्रीज़ फ्रांस में बिहेव कर रही है वही आर्गनाइजेशन अगर पाकिस्तान में है तो वैसा ही बिहेव करे इसका प्रायमी मकसद ये होता है आई एस ओ फोटी थाउजेंड्स द सेम दैट आई एस ओ नाइन थाउजेंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैज़ नाउ developed the ISO 14,000 family of standards फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड्स टू management इफेक्टिव एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने आई एस ओ नाइन थाउजेंड स्टैंडर्ड्स क्वालिटी के डिवेल्प किए थे इसमें प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्रोसेस पैकेजिंग के तमाम प्रोसेस इन सब को आई एस ओ आर्गेनाइजेशन ने डिवेल्प किया था और वही सेम ऑर्गेनाइजेशन ने आई एस ओ फोटी थाउजेंड स्टैंडर्ड डिवेल्प किए हैं ताकि आर्गनाइजेशन के अनवायरमेंट के रिलेटेड इशूज़ को अच्छी तरह मैनेज और कंट्रोल किया जा सके आई जिन चीज़ों को डील कर रही है उसमें से इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजर्स टू अम्प्लाई द गवर्नमेंटल मैंडेट आई एस ओ फोटी थाउजेंड सर्टिफिकेशन इज़ आ नोबल अप्रोच हर ऑर्गेनाइजेशन को आई एस ओ फोर्टीन थाउजेंड स्टैंडर्ड्स नहीं दिए जाते ये उन ऑर्गेनाइजेश को अवार्ड किया जाता है सर्टिफिकेशन जिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तमाम ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर उसेफाइड होते हैं और पर्टिकुलर विद विदिवेंट्स टू स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिकलीगेमेंट विद इन ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट कि किस हद तक ये ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी को फुलफिल कर रही है उस तरह फिर इस आर्गेनाइजेशन को ये सर्टिफिकेशन अवार्ड किया जाता है ऑस्ट्रेलिया कैनडा जर्मनी फ्रांस यूनाइटेड किंगडम्स यूनाइटेड स्टेट्स दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स विच आर यूजिंग आई एस ओ फोर्टीन थाउजेंड स्टैंडर्ड्स आई एस ओ फोटीन थाउजेंड सीरीज़ ऑफ़ स्टैंडर्ड्स आई एस ओ फोटीन थाउजेंड सीरीज़ प्रॉपर स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैं गाइडेंस स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आर्गनाइजेशन के अंदर कुछ एनवायरमेंट को डील करते हैं लाइफ साइकिल को डील करते हैं एनवायरमेंट परफॉर्मेंस एवेलन को डील करते हैं एनवायरमेंट ऑडिट को डील करते हैं एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को डील करते हैं तो ये आर्गनाइजेशन की मुकम्मल सीरीज़ है जिसकी मदद से ऑर्गेनाइजेशन आई एस ओ फोटीन थाउजेंड को मुकम्मल इम्प्लीमेंट कर रही है और लास्ट में आई एस ओ फोटी थाउजेंड सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड्स डील्स इन टू ब्रॉड क्लासिफिकेशन प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड स्टैंडर्ड्स एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड स्टैंडर्ड्स ये दो चीज़ें हैं प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कैसे काम कर रहा है और प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे काम कर रही है प्रोडक्ट्स की वेस्ट को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है इन दोनों चीज़ों को आई एस ओ फोटीन थाउजेंड स्टैंडर्ड्स की सीरीज को डील करने की ब्रॉड कैटेगरी समझा जाता है